डियर व्यूअर्स, मैं ज़हूर ज़मीर। तो फिर से एक बार एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार मुझे रास्ते में जो है वो लोग मिले हैं, तो हम इनसे जानेंगे क्या स्टोरी है। ये लोग बाई वॉक ये तो चल रहे थे रास्ते में, तो सारी पूरी कहानी हम इनसे ही सुनेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। आप लोग रुके हमारे लिए। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम परिधि है, इनका नाम निखिल है। हम लोग एक कपल हैं, फ्रॉम एमपी। जी हाँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो कपल हैं, या तो वो बाय एयर ट्रेवल करते हैं या बाय रोड ट्रेवल करते हैं गाड़ी में। तो ये एक ऐसा कपल है, खूबसूरत कपल, वहाँ तारीफ करनी होगी इन कपल्स की। ये लोग बैगवाक जो है लद्दाख पहुँचे हैं, तो पूरी कहानी अभी हम सुनेंगे इनसे। अब आए कहाँ से हो, थोड़ा हमें ये बताइए, और कहाँ से किस किस जगह जाके आए हो, और इस वॉक का मकसद क्या है आपका? हेलो एंजुले, दिस इज निखिल एंड दिस इज परिधि, एंड वी आर हियर टू शेयर अ स्टोरी विद यू, अ स्टोरी दैट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ आवर लाइव्स। सो अ ईयर अगो वी चोज टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी वी आवरसेल्व्स नेवर थॉट वुड बिकम द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ आवर लाइफ। वी अटेम्प्टेड टू वॉक द होल ऑफ लद्दाख, स्टार्टिंग फ्रॉम मनाली टू श्रीनगर, कवरिंग द बेल्ट्स ऑफ चांगथांग, नूब्रा, शाम एंड आर्यन वैली, एंड नाउ वी आर हियर इन जांस्कर वैली, heading to Srinagar via Sulu Valley, which will also complete the entire journey, which we also call it as Voxpedition. So, if you look at it, it's been an amazing journey of almost 7 months, 2700 kilometers, lifelong relationships with more than 100 Ladakhi families and still counting. It's been a journey of amazingness, magical moments, experiences that we never thought we could ever have, days where we thought it would break us, days where we were at the peak of our life, and moments of pure bliss. We've put together glimpses of our story for you to go through and see, and if you're ever in Ladakh, please do ping us, and it would be amazing to catch up with you and pleasure to share stories. So here's a story. Anjali. मनाली से स्टार्ट किया था वॉक करना, मनाली तक हम बस में आए थे। मनाली से हमने स्टार्ट किया, मनाली से ले पहले नेशनल हाईवे होके पूरा पांचों पास कवर करके, मनाली से ले से सोमरेरी, सोमरेरी से हानले, हानले से चुशुल, पैंगोंग, खालसर, सियाचिन बेस कैंप तक गए थे हम। फिर सियाचिन बेस कैंप से हम इस तरफ आए, बीच में एक रास्ता है नदी पार करके आना पड़ता है, आरानू बुरमा चरासा है, इस नाम के गाँव है। यहाँ से हम आके फिर बुरमा से नदी पार करके हम गए हुंदर, फिर वहाँ से तुरतुक थांग त्याक्षी से फिर हम वापस आए खडुंगला, फिर हमने खडुंगला करके वापस ले से फिर नीमू, बासगो, लिकिर, सासपोल, फिर अंदर एक ट्रैक जाता है मंगी उतार, बड़ा अच्छा सा ट्रैक है वो, वहाँ गए हम। वहाँ हमको बड़ी खुश नसीबी हमारी कि स्नो लेपर्ड देखने मिला, तो वो हुआ। फिर हम तार से वापस बाहर आए खलसी की तरफ, खलसी से फिर हम अंदर आर्यन वैली चले गए। आर्यन वैली मतलब तकमाची, एकता, हनुमगढ़, मनाली चुली चांद तक गए हम। फिर चुली चांद से ऐसे यू टर्न करके बाहर आता है खंगाल में रहता है, कलोम, सलमो, ठंडो, शकरदो, वो करके फिर हम वहाँ से खंगाल आए। फिर खंगाल से फिर बोध कारपू से त्यांगचंद कोतला क्रॉस करके फिर हम लामायुरू गए। फिर लामायुरू से फिर एक रास्ता जो एक तो सीधा चला जाता है किले की तरफ चला जाता है, एक रास्ता जो है वो जाता है झांसकार की तरफ, विच इज़ लाइक आपका वानला, हनुपाटा, फतोकसर, लिंगशेद और ये सब गांव कवर करते हुए एक 4-5 दिन का ट्रैक है जो कि कहलाता है लिंगशेद टू पदुम का ट्रैक है, लिंगशेद टू करशा बेसिकली वो ट्रैक है, वो हमने किया। कुछ कवर्स आपका पिकमो, पिशू, ये सब गांव, हनामोर, जिनसेन, ये सब गांव कवर करता है। फिर हम वहाँ से पदुम पहुँचे, पदुम से हम गए फुकतल, फिर फुकतल मॉनेस्ट्री जो है बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री है, वो मॉनेस्ट्री का कवर करके फिर हम लोग पदुम आए। पदुम से फिर हम वाया सुरू वैली कारगिल आए, फिर कारगिल से अभी हम यहाँ पे आए खरगू पहुँचे, खरगू पहुँचे। तो हम ऐसे लद्दाखी होते हुए भी सर बीइंग एन ऑनेस्ट, इतने गांव के नाम मुझे खुद याद नहीं है, और आप लोगों को इतने मतलब बाई वॉक जो है आपने सारा आपने क्रॉस किया हुआ है, हमको भी बोलता है कि ऐसा बोलता है ना कि आपने इतने नाम ही कैसे याद होता है, जवाब रहता है कि हमने उनका नमक खाया हुआ है तो हमको याद रहता है। बहुत अच्छी बात है सर।
और इसका मेन रीजन क्या है सर, वॉक बाय वॉक चलने का मेन मकसद क्या है? सर 2019 में हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने कार से किया था पूरा, मतलब वही उस टाइम पे हमको ये रियलाइज हुआ था कि ये 10-15 दिन का तो नहीं है ये टेरेन, इसको 10-15 दिन में आप जान नहीं सकते इस टेरेन को, जितना आपको घूमना है मतलब आप घूम सकते हो, देख सकते हो थोड़ा बहुत जो भी देखना है, बट अगर आपको एक्चुअली उसको फील करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप वो चीज़ 10-15 दिन नहीं कर सकते हो। तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पे ये मैम जो थे इंडोनेशिया में थी और मैं पुणे में वर्क फ्रॉम होम था, लद्दाख हमने सोचा कि हमको आना है फिर से एक बार, हम कैसे आ सकते हैं, माउंटेन्स जाना था, माउंटेन्स से सोचा काम कर लेंगे, लेकिन फिर सोचा कि माउंटेन्स से काम कैसे कर पाएंगे, तो फिर पता नहीं क्या स्ट्राइक किया, हम दोनों को ही स्ट्राइक की ये चीज़ कि हम वॉक करते हैं, तो वो वॉक करना इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गया वो चीज़ कि हाँ वॉक कर सकते हैं, फिर हमने इनफैक्ट एक बार एक्सप्लोर फिर कोशिश की सोचने की कि क्या हम बाइक से जा सकते हैं या फिर साइकिल कर सकते हैं या फिर कुछ और तरीका हो सकता है करने का, बट फिर हमको ये लगा कि वॉक कैन बी द स्लोएस्ट वे ऑफ यू नो एक्सप्लोरिंग लद्दाख, तो फिर वो हमने सोचा कि हम करते हैं और वॉक इज समथिंग वी थॉट दैट वी गो फॉर इट, देन वी ट्रेन फॉर इट, हमने प्रिपरेशन किया पूरा उसके लिए, 6-7 महीने का हमने पूरा तैयारी किया, फिजिकल प्रिपरेशन किया और फिर हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था पूरा वॉकिंग जर्नी जो था वो हमने मनाली से स्टार्ट किया था। फेमस रीजन हमारा ये रूल्स रहता है जनरली माउंटेन्स में मैक्सिमम टाइम मिनिमम प्लेसेस, तो उसमें हमने बहुत धीरे 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 छोटे छोटे गांव जाने के एक्सप्लोर करने थे। शुरुआत में हमने ये सोचा था कि हम चलेंगे तो कुछ एक अच्छा कॉज लेके चलते हैं, तो हम जिस भी गांव में रुकते हैं हम एक पेड़ ज़रूर लगा के निकलते हैं, एक तो ये हम करते हैं। दूसरा हमने स्टार्ट जब किया था तो हमने अपने साथ में वो गार्बेज के बैग जो होते हैं वो लेके रखे थे, कि हमने सोचा था कि चलते चलते जो भी मिलेगा वो इकट्ठा करके फिर आगे जो भी गांव आएगा उसमें उसको डिस्पोज करेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मनाली ले हाईवे बहुत, मतलब दुख हो रहा है बोलते हुए कि बहुत ज़्यादा गंदा है, मतलब कचरा बहुत है वहाँ पे, गंदगी से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा कचरा है, तो हमको हर 5 कदम पे ना झुक के उठाना पड़ रहा था। हमारे पास बहुत बड़े बड़े बैग्स हैं 25 किलो के, तो उससे काफ़ी मुश्किल हुई, तो हमने फिर वो आइडिया ड्रॉप किया। बहुत अच्छा मैसेज है, इतने खूबसूरत है उतने खूबसूरत इनका सोच है, और हम सबको यही चाहिए कि हम भी अपने इस लद्दाख को खूबसूरत, लद्दाख को जितना खूबसूरत है इसकी खूबसूरती को बनाए रखें। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी लद्दाख आएगा इनकी मैसेज को जो है वो ज़रूर फॉलो करेंगे जो भी लोग आएंगे। तो शुक्रिया आप लोगों का हमें टाइम देने के लिए, आपका टाइम बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू।